हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आज से मैं प्रेप्लैनर IAS चैनल पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स की सीरीज चालू करने जा रहा हूँ और ये उस सीरीज का पहला एपिसोड है। ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स को सबसे पहले देखने के लिए प्रेप्लैनर IAS चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रख लो। इस एक चीज के बलबूते पर नॉर्थ कोरिया जैसा गरीब देश इतने महंगे महंगे मिसाइल लॉन्चेस कर रहा है। ये देखो, ये है नॉर्थ कोरिया की मॉन्स्टर मिसाइल ह्वासोंग 17, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। एंड वेट, ये इकलौती ऐसी मिसाइल नहीं है जो नॉर्थ कोरिया से न्यूयॉर्क तक आसानी से एक झटके में किसी भी शहर को न्यूक कर सकती है। नॉर्थ कोरिया ने अकेले नवंबर के पहले हफ्ते में ही ऐसे 80 मिसाइल्स को लॉन्च किए हैं, जिससे कि दुनिया को ऐसा लग रहा है कि किम जोंग उनका फेवरेट मनोरंजन ही मिसाइल लॉन्च करना हो गया। हाल ही में एक ऐसे ही डेडली मिसाइल के लॉन्च पर किम जोंग उन अपनी बेटी को पहली बार दुनिया के सामने लेकर आए थे। अब ऐसे ही एक मिसाइल लॉन्च में नॉर्थ कोरिया $70 बिलियन उड़ा देता है, जितने में नॉर्थ कोरिया की जनता एक साल तक राइस को इंपोर्ट करके उससे अपना पेट भर सकती है। लेकिन इसके बावजूद नॉर्थ कोरिया रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि नॉर्थ कोरिया जैसे गरीब देश के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है कि वो मिसाइल पे मिसाइल टेस्ट किए जा रहे हैं? क्योंकि अभी तो नॉर्थ कोरिया में भुखमरी इतनी बढ़ गई है कि हाल ही में गवर्नमेंट ने नॉर्थ कोरियंस को अपने पेट डॉग्स को तक रेस्टोरेंट्स को डोनेट करने के लिए कह दिया है, ताकि लोगों की भूख मिटाई जा सके। और एक बार तो हाल ही में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार ने लोगों को नॉनस्टॉप 70 डेज के लिए काम करने के लिए ऑर्डर दे दिया था। लेकिन इस सब के बावजूद नॉर्थ कोरिया आज तक बात बात पर न्यूक्लियर अटैक्स की धमकियां देते रहता है। एक बार तो किम जोंग उन ने अमेरिका को धमकाते हुए ये भी कह दिया था, याद रखना न्यूक्लियर बटन तो हमेशा मेरे टेबल पर ही होता है। पंथो जनेगी उड़िए हैक थाकियो साजन कोनाने इसमें हैक तांचुगा नए सामुसिल छेक्सांग हुए हंगसांग नयो इतनं गद। जिसके रिस्पांस में तब के US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया था। इनफैक्ट अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को ओपनली एक न्यूक्लियर स्टेट तक डिक्लेयर कर दिया। एंड वेल, 2022 तो सिर्फ एक छोटी सी झलक थी इसके पावर की। नॉर्थ कोरिया सिर्फ ऐसे ही उछल नहीं रहा है, इनफैक्ट इसका न्यूक्लियर आर्सेनल असल में बहुत बड़ा है। थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं टू सितंबर 2017। 2017 के जनवरी में नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और चाइना ने अचानक से एक 5.1 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस किया। इससे कई बिल्डिंगें ढह गई, बहुत सारे लोग मारे गए, इंक्लूडिंग स्कूल गोइंग किड्स। लेकिन बाद में ये पता चला कि एक्चुअली में एक मैनमेड अर्थक्वेक था, जो बेसिकली नॉर्थ कोरिया के सीक्रेट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेपन नन अदर देन द इनफेमस हाइड्रोजन बॉम्ब का परिणाम था। नॉर्थ कोरिया का यह हाइड्रोजन बॉम्ब काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी पावर पूरे 50 किलोटन्स की है, यानी कि हिरोशिमा में हुए न्यूक्लियर अटैक से भी 3 गुना ज्यादा। एंड माइंड यू, ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाना आसान बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल किस्म के मटेरियल की जरूरत होती है, कॉल्ड द फिसाइल मटेरियल, जो कि दुनिया में सिर्फ इन्हीं देशों के पास है। एंड अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ कोरिया इनमें से एक है। इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया के पास इतने फिसाइल मटेरियल है कि वो ऐसे 35 से 45 न्यूक्लियर वेपन्स को इजीली बना सकता है, और इनको लॉन्च करने के लिए उसके पास 1000 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स की आर्मी ऑलरेडी तैयार है। अब इतना सब जानने के बाद भी ये बात बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है कि 2019 में नॉर्थ कोरिया ने $620 मिलियन सिर्फ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में स्पेंड किए थे, और दूसरी तरफ इस देश में गरीबी छाई है। आप बस सिर्फ इस पिक्चर को देखो, जो कि एक नाइट टाइम सैटेलाइट इमेज है। इसमें एक तरफ आप देख सकते हो साउथ कोरिया लाइट से कैसे जगमगा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया आज भी अंधेरे में घिरा हुआ है। दोनों देश इंडिपेंडेंट एक साथ हुए थे, लेकिन नॉर्थ कोरिया बहुत पीछे रह गया। आप बिलीव नहीं करोगे, 2015 में नॉर्थ कोरिया का नेशनल इनकम साउथ कोरिया का सिर्फ 2% था, लेकिन इसके बावजूद नॉर्थ कोरिया ने इस इनकम का भी 25% सिर्फ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में ही सो कॉल्ड इन्वेस्ट कर दिया। आज GDP पर कैपिटा के लिस्ट में साउथ कोरिया 36th रैंक पर आता है और नॉर्थ कोरिया 215th रैंक पर आता है, मेकिंग इट वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो में अभी तक मजा आ रहा है। इसी बात पर सब्सक्राइब कर लो प्रेप्लैडर IAS चैनल को और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन रखना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आगे भी आपको देखने मिलेंगे। इस देश की ऐसी स्थिति के पीछे हम सब जानते हैं मेन रीजन है इसका क्रूर डिक्टेटर, जिसके खिदमत में देश का सारा पैसा जा रहा है। आप खुद ही सोचो, दुनिया में सबसे गरीब कंट्री में से एक के लीडर का नेटवर्थ ही $5 बिलियन है। यस, किम जोंग उन दुनिया का सेकेंड सबसे अमीर लीडर है। इनफैक्ट किम जोंग उन के महंगे शौकों में से ही तो एक है न्यूक्लियर वेपन्स का कलेक्शन बढ़ाना, और अपने इस
इसी शौक के वजह से 2006 से ही नॉर्थ कोरिया पर इंटरनेशनल न्यूक्लियर टेस्टिंग के लॉस तोड़ने की वजह से कई सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। इसकी वजह से उन पर इंपोर्ट्स के कई सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं और वो बाकी की दुनिया से बिल्कुल भी कट ऑफ है, आइसोलेटेड हो चुके हैं। नॉर्थ कोरिया का आइसोलेशन इस हद तक बढ़ चुका है कि आज के तारीख में उनके पास कोई फॉरेन रिजर्व्स ही बाकी नहीं। लेकिन फिर भी किम जोंग उन की मस्ती कम नहीं है, उसे आया एक और एक आइडिया। इस एक आइडिया के बलबूते पर नॉर्थ कोरिया का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम फंड हो गया, स्पॉन्सर हो गया। बट लेट मी वॉर्न यू, इट इज नॉट अ लीगल आइडिया। सो नॉर्थ कोरिया के पहाड़ों के बीच छुपी हुई है एक सीक्रेट मिलिट्री एकेडमी। इसकी स्पेशलिटी है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को डाइसेक्ट कैसे करे, खतरनाक कंप्यूटर वायरसेस कैसे मैन्युफैक्चर करे, ATMs को कैसे हैक करे, ये सब स्पेशल स्किल्स की ट्रेनिंग देकर नॉर्थ कोरिया आर्म स्टूडेंट्स को साइबर सोल्जर्स में बदल रहा है। हर साल इस एकेडमी से 100 साइबर सोल्जर्स ट्रेन होकर निकलते हैं और नॉर्थ कोरिया की हाईली स्पेशलाइज्ड हैकिंग आर्मी द लजारस को ज्वाइन कर लेते हैं। सो बेसिकली सच ये है कि नॉर्थ कोरिया बन चुका है एक बैंक रॉबर और उसका मेन हथियार है बस एक कीबोर्ड। यस, आज नॉर्थ कोरिया के इनकम का एक मेन सोर्स बन चुका है साइबर अटैक्स करके क्रिप्टो करेंसीज चुराना। 2010 से 2021 के बीच नॉर्थ कोरिया ने कई सक्सेसफुल मनी हाइस्ट कराए। सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश से $81 million, पुणे के कॉस्मोस बैंक से 95 crores, क्रिप्टो में US कंपनी से $100 million, सिंगापुर से $1.7 billion के बिटकॉइंस, वियतनाम के NFT वीडियो गेम कंपनी को हैक करके ढेर सारे क्रिप्टो करेंसी चुराए, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। इन्होंने तो पूरा चिली का ATM नेटवर्क ही हैक कर लिया था और ये इनके लिए इतना प्रॉफिटेबल साबित हुआ कि 2021 में नॉर्थ कोरिया ने हैकिंग से $400 million कमा लिए और 2022 में ये आंकड़ा बढ़ के सिर्फ पहले के 5 महीनों में ही उसका दुगना हो गया, $840 million। और आज इनका यही बिजनेस मॉडल इनके पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंड कर रहा है। लेकिन दैट्स नॉट इट, नॉर्थ कोरिया के पास और भी कई तरीके हैं अपने न्यूक्लियर एम्बिशन को पूरा करने के। एंड अगेन, एज यू मस्ट हैव गेस्ड इट, नन ऑफ देम इज लीगल। साल 2003, एक छोटे से अननोन देश तुवालू का फ्लैग लगाए 100 मीटर से भी लंबी कार्गो शिप धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया के करीब जा रही थी। इतने बड़े शिप में थे सिर्फ 30 आदमी एक प्लान के साथ, अ प्लान टू स्मगल 125 किलोग्राम्स ऑफ हेरोइन वर्थ $100 million टू ऑस्ट्रेलिया। और ये हेरोइन कहां से आ रहा था? नॉर्थ कोरिया। 2004, पैनामा फ्लैग के साथ अटलांटिक ओशन में सेल कर रही थी एक कंटेनर शिप। FBI ने उसे इंटरसेप्ट किया एट न्यूयॉर्क पोर्ट, पर उसमें मिले बस प्लास्टिक टॉयज से भरे कार्डबोर्ड बॉक्सेस, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से, क्योंकि अंदर पाए गए $100 की नकली नोटों की गड्डियां। ये हाईली एक्यूरेट फेक नोट्स बनाए गए थे, अगेन नॉर्थ कोरिया में। साल 2020, एक बड़ी सी कार्गो शिप इजिप्ट की तरफ जा रही थी, पर इसे बीच में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया और इसके अंदर था लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ आयरन ओर। लेकिन अगेन, ये तो ऊपर ऊपर से था, उसके नीचे छुपाए गए थे 30,000 इलीगल वेपन्स। इसकी कस्टमर थी इजिप्ट की गवर्नमेंट खुद और सेलर नॉर्थ कोरिया गैन। अब देखो, इन तीन शिप्स के अलग अलग कहानियों से ये क्लियर हो जाता है कि नॉर्थ कोरिया और भी दूसरे इलीगल धंधे जमाने की कोशिश कर रहा है और उससे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंड करने की कोशिश कर रहा है। नॉर्थ कोरिया बैंक रॉबर होने के साथ एक स्मगलिंग जायंट भी है। सैंक्शंस होने के कारण नॉर्थ कोरिया को लीगली आर्म्स एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी है, लेकिन ये फिर भी सीक्रेटली छोटे छोटे आर्म्स इलीगली एक्सपोर्ट करके अच्छे खासे पैसे कमा लेता है और उसके लिए उसने परफेक्ट मार्केट भी ढूंढ लिया है, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के अनस्टेबल नेशंस, जहां पर हमेशा कुछ न कुछ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स तो चलते ही रहते हैं। 1980s में तो नॉर्थ कोरिया ने $4 billion वर्थ के आर्म्स को एक्सपोर्ट किया था, जो उसके टोटल एक्सपोर्ट्स का 1/4 हिस्सा है। आर्म्स के साथ, जैसे हमने देखा, नॉर्थ कोरिया ड्रग्स को भी स्मगल करता है। काफी इंटरेस्टिंगली, नॉर्थ कोरिया में तो ड्रग्स उनके कॉमन कल्चर का एक हिस्सा भी है, स्पेशली मेथ। यस, यहां पर लोग चाय कॉफी के जगह पर मेथ ऑफर करते हैं और अब वो मेथ और दूसरे ड्रग्स को जापान, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में स्मगल करके पैसे कमा रहा है। एंड फाइनली, जब ये सब बेचने के बाद भी पैसे पूरे नहीं हो रहे, तो सिंपल, खुद ही पैसे बना लो। नॉर्थ कोरिया ने एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन बना के रखी है, द इनफेमस ऑफिस 39, जो कि एग्जैक्टली यही काम करती है। ऑफिस 39 का काम है US डॉलर्स के एकदम रियल दिखने वाले नकली नोट्स बनाना, और ये इतने प्रिसाइज होते हैं कि इसमें एग्जैक्टली वही पेपर यूज करते हैं जो एक्चुअल डॉलर्स में यूज होता है, और डॉलर में यूज होने वाला हाईटेक कलर शिफ्टिंग इंक भी
भी वही सेम स्विस सप्लायर से सोर्स किया जाता है। इसके बाद ये ऑफिस 39 यही फेक नोट्स बनाकर इंटरनेशनली सर्कुलेट करती है। अब ये सभी इलीगल धंधे कम थे कि नॉर्थ कोरिया तो एक और एक कदम आगे निकल चला गया। नॉर्थ कोरिया इकलौता ऐसा देश है जो अपने ही देशवासियों को बेचकर भी पैसे कमाता है। आज नॉर्थ कोरिया के पास 2.6 मिलियन मॉडर्न स्लेव्स हैं, जिन्हें दूसरे देशों में डीपोर्ट करके वहां के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में जबरदस्ती काम करवाया जाता है। इन्हें बुरे कंडीशंस में लगातार काम करवाया जाता है और उनके वेजेस भी सीधा नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट को भेज दिए जाते हैं। सबसे बुरा कंडीशन है औरतों और बच्चों का, जिन्हें किडनैप करके सेक्स वर्कर्स बना दिया जाता है। और ये सभी एक्टिविटीज इलीगल के साथ साथ इनह्यूमेन भी है, लेकिन नॉर्थ कोरिया को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्लेव एक्सपोर्ट उसके टोटल एक्सपोर्ट का 8% हिस्सा है, जिससे वो सालाना बिलीव इट और नॉट 2-3 बिलियन डॉलर्स कमा लेता है। और ये स्लेव्स भी ज्यादातर चाइना और रशिया में भेजे जाते हैं, वही दो कंट्रीज जो नॉर्थ कोरिया के सबसे करीबी एलाइज है। चाइना तो नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है, प्लस चाइना को तो नॉर्थ कोरिया ने अपने मिनरल माइंस और वाटर्स रेंट पर भी देकर रखा हुआ है, जिससे चाइना को भी फायदा हो रहा है और नॉर्थ कोरिया भी मिलियंस में कमा रहा है। रशिया भी दुनिया के सामने नहीं, लेकिन कोवर्टली नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करते हैं। अभी यूक्रेन इन्वेजन के बाद जब रशिया खुद अकेला हो गया, उसकी मदद करने के लिए सामने आया नॉर्थ कोरिया। रशिया के रॉकेट्स और वेपन्स की सप्लाई नॉर्थ कोरिया से ही आ रही है और ये दोस्ती अब इतनी गहरी होते जा रही है कि इस साल पहली बार यूएन में नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस को चाइना और रशिया ने वीटो कर दिया। सो अब एक तरफ जहां पे रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया का एक सॉर्ट ऑफ ग्रुप बन रहा है, दूसरी तरफ यूएस और साउथ कोरिया साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे थ्रेटन फील करके नॉर्थ कोरिया ने बैक टू बैक मिसाइल लॉन्चेस करना शुरू कर दिया। सो डू यू थिंक फ्रेंड्स, नॉर्थ कोरिया के इस माइंडलेस एग्रेशन को इंटरनेशनल प्रेशर से रोका जा सकता है या फिर नहीं? न्यूक्लियर बॉम्ब्स को खिलौना समझने वाला नॉर्थ कोरिया इन्हें किसी दूसरे देश पर ना यूज कर दे, जो कि किसी बड़े वर्ल्ड वॉर में ना तब्दील हो जाए। वेल, आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, आगे क्या होगा? लिखिए अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में। और अब फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए प्रेप लैडर आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करके रख लो।